एक व्यक्ति का दान देने का भाव खूब प्रबल है, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो ज्यादा दान दे सके, इसके पीछे क्या महाराज जी उसका पिछले जन्म का कोई पाप है या वह मनुष्य दान नहीं दे पाता है? 100% पाप ही। पूर्व भव में तुम्हारे पास बहुत धन था, बहुत धन था, और तुम्हार जहां थे वहां मंदिर बन रहा था, लेकिन तुमने कंजूस बने के कारण नहीं दिया। उसका परिणाम है कि लक्ष्मी ने अभिशाप दिया कि अब तू ऐसा गरीब होगा, मंदिर बनेगा और तू तरस तरस के मरेगा। ये है, जैसे अभी पाली में मंदिर बन रहा है, कई कंजूस लोग अभी बचने का प्रयास करेंगे और कम देंगे तो उनको अगले भव में ऐसी गरीबी मिलेगी कि वो देना भी चाहें तो अब उनके पास, जिन जिन के पास धर्म करने की, दान देने के भाव हैं और देने की शक्ति नहीं है, वे जरूर ये सोच लें ये अपराध तुमने पूर्व भव में किया था, जब तुम्हारे पास था अच्छा धन था। आप डिस्टर्ब नहीं, मौन रह रहे हैं, मूर्ति आ रही, चुपचाप निकलेंगे, बोलना नहीं, बोलना नहीं कोई भी। तो इस प्रकार से आपकी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां, ओ भाई क्यों आवाज क्यों कर रहे हो? हाँ मालूम है हमारे, हम तुमसे ज्यादा देख रहे हैं, बिना बोले ला। आवाज करने की जरूरत नहीं, मौन पूरकना है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए हमेशा ये विचार करना चाहिए। अरे ये हाथ लाके कौन बोल रहा है? बोलो नहीं कोई, बिना बोले लाओ है, बिल्कुल बिना, मौन पूर्वक, मूर्ति निकल जाए मालूम नहीं चले। हाँ तो इस प्रकार से जो स्थितियां हैं आप लोगों को सोचना चाहिए, जो समर्थ होकर के भी अपने आप में धर्म नहीं करते उनको ऐसे ही तड़पना पड़ता है। नियम से तुम्हारे पूर्व भव का, तुम्हें लक्ष्मी का, धन का अभिशाप है।